इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग बर्ड के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड को पूरा सिंपल सरल आसान भाषा में समझेंगे, सीखेंगे और रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन वह प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर किसी को सुविधाजनक कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल, हम प्लांट या एनिमल और डॉग कैट या इंसेक्ट को आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे ही आप डॉग अल्सेशियन बोले तो गार्ड डॉग, मामल एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर वेट की चर्चा करते हैं तो आपके माइंड में इन ऑर्गेनिज्म से जुड़े करेक्टर आ जाते हैं। इसलिए ये सभी डॉग कैट मामल्स वीट राइस प्लांट एनिमल आदि कॉन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिनका यूज हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी में करते हैं। इन कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म टैक्सा है। टैक्सा डिफरेंट लेवल पर कैटेगरी को बता सकता है। प्लांट आल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार एनिमल मामल डॉग ये सभी टैक्सा है। डॉग एक मामल है, मामल एनिमल्स है, इसलिए एनिमल मामल तथा डॉग डिफरेंट लेवल पर टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी करेक्टरिस्टिक के बेस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करने की प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसलिए करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऐसे प्रोसेस हैं जो टैक्सोनॉमी के बेस हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर बेस्ड था। अर्ली डे में ह्यूमन को अपनी बेसिक नीड जैसे फूड, क्लॉथ, शेल्टर के लिए नए सोर्सेज खोजने पड़ते थे। सिस्टमैटिक लैटिन के शब्द सिस्टमा से लिया गया है। सिस्टमैटिक का मतलब ऑर्गेनिज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना था। सिस्टमैटिक में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करके सिस्टमैटिक के स्कोप को बाद में बढ़ा दिया गया है। सिस्टमैटिक में ऑर्गेनिज के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा गया है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो